नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के नए और फ्रेश वीडियो में। रिटायर सैनिकों और सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सैनिकों को मिला उनका हक। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री जी की बड़ी घोषणा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से फटाफट से देख लेते हैं इस बड़ी खबर को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो घंटे का बटन है उसे भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट न्यूज़ जारी की गई है, सैनिकों के साथ सरकारी विभागों में सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर सरकारी विभागों में अपने काम से जाने वाले सैनिकों व उनके परिवारों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने को कहा है, जिससे वे अपनी घरेलू समस्याओं से निश्चित होकर केवल अपने कर्तव्य को भली भांति तो करेंगे ही साथ में अधिक बुलंद हौसले के साथ देश की सेवा में तत्पर रहेंगे। रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि सभी सशस्त्र बल विषम व चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा व सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। रक्षा मंत्री होने के नाते वह स्वयं कई बार देश की सीमा पर सियाचिन जैसे कई दुर्गम क्षेत्रों में जवानों से मिलने जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जवान अपने घर परिवारों से हजार किलोमीटर दूर जोखिम भरे इलाकों और खराब मौसम में भी देश की सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं। वे जिन सशस्त्र पुलिस बलों की बात कर रहे हैं उनमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे BSF, ITBP और CISF, उनमें सेवानिवृत्त कर्मी व अधिकारी भी शामिल हैं। ये देश की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका सम्मान करें। तो दोस्तों इनके सम्मान में नीचे कॉमेंट सेक्शन में जय हिंद जय जवान ज़रूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, आपको भी पता होगा कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, रिटायर सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार की जो वारदात हुई थी वो वीडियो वायरल हुआ था। उसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को भेजे गए हैं। तो दोस्तों ये पहल आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और अपनी राय ज़रूर दें। तो ये थी एक लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।